यहाँ पे गाड़ी हवा बहुत तेज चल रही है। तो ये है हमारी गाड़ी ओपन जिप्सी और जिसमें हम जंगल सफारी के लिए जा रहे हैं। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। गाइस हमारी फटी जा रही है एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है डे टू ऋषिकेश में और आज हम एडवेंचर करने जा रहे हैं जिसमें होगा बंजी जंपिंग, रिवर राफ्टिंग और जंगल सफारी। तो बने रहिए। ओके, तो हम आए हैं अभी नाश्ता करने के लिए चोटी वाला रेस्टोरेंट में, जो कि बहुत ही फेमस है ऋषिकेश में। और हम यहाँ पे स्पेशली टाइम निकाल के आए सब कुछ एडवेंचर करने से पहले, क्योंकि कल एक भी मील ढंग से नहीं हुआ। समोसा वड़ा पाव टाइप चीज़ें खा के ही सब कुछ निकालना पड़ा पूरा दिन। हालांकि जब समोसा वड़ा पाव एक बार दिखा नहीं है, लेकिन उस टाइप की चीज़ें ही खानी पड़ी, जो कि कोलेस्ट्रॉल के डोसेज बढ़ चुके हैं कल से। तो आज हम इज्जत से नाश्ता करने आए कहीं पर। तो गाइस चोटी वाला जो है बहुत फेमस है ऋषिकेश में, अगर आपको कभी टाइम मिले तो ज़रूर आइए, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। ऋषिकेश तो आ जाइए और मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ये रिवर राफ्टिंग हम भी करने वाले भाई थोड़ी टाइम में नाश्ता करके। और ये है पीछे छोटी वाला। तो हमने जो है एक मसाला डोसा, एक मेंदू वड़ा और एक उत्तपा ऑर्डर दिया है, जो कि हम लोग दोनों लोग शेयर करके खाने वाले हैं। मज़ा आ गया खाना खा के। कल क्या दिन भर हम लोग ना मतलब प्रॉपर मील हमने लिया नहीं था, रात में ही लिया था। तो अभी तो और बहुत अच्छा था, टेस्ट अच्छा था और इसलिए अभी हमने सुबह खा लिया। अब उसके बाद दिन भर बस हमने आज सिर्फ एडवेंचर। कितना बजे लगे? अभी 11:30 बज रहे हैं। हमारे लिए सुबह है, बाकी बाहर का नज़ारा देखिए, जरा मौसम देखिए, मौसम का मौसम बारिश हो सकती है, बारिश हो सकती है गाइस, मज़ा आने वाला है बहुत भाई। गाइस अनफॉर्चुनेटली जो है रिवर राफ्टिंग भी बंद है, क्योंकि अभी यहाँ पे बारिश हो रही है और हवा बहुत तेज चल रही है, तूफान की संभावना है। और बाकी बंजी जंपिंग का क्या सीन है? बंजी जंपिंग का स्लॉट भाई 8 तारीख तक फुल है, जून तक 8 तारीख। 8 जून तक बंजी जंपिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि पूरा स्लॉट फुल है। और रिवर राफ्टिंग भी अभी बंद है क्योंकि बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, सर मुझे पहले से ही बोल रहा था मामा एडवांस में बुकिंग कर लेते हैं 2-3 महीने से ही, लेकिन मैंने सोचा कि जो है यहाँ जाने के बाद पता नहीं था इधर का क्या सीन रहता है, मुझे लगा जाने के बाद हो जाएगा बट नहीं हो पाया। लेकिन कोई बात नहीं, आपको अगली बार ट्राई करेंगे। और गाइस हमारा जो मोबाइल है वो वाटर रेजिस्टेंट है, तो उसके लिए हम लोग शूट कर पा रहे हैं, तो लेके ही जमा हो जाता है। A few moments later. तो दोस्तों अभी फिलहाल हम लोग जो है राजा जी नेशनल पार्क में है, जो कि हरिद्वार रोड पे आता है उत्तराखंड में, और काफी डेंजर जगह लग रहा है ये एक्चुअली में भाई। और यहाँ पे जो है सफारी होती है, जंगल सफारी, जिसमें गाय इधर अटैक कर रही भाई हमारे। मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे आपको ओपन जिप्सी जो होती है, ओपन जिप्सी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये ओपन जिप्सी में आपको जो है दो से ढाई घंटे का ये लोग जो है आपको पूरा यहाँ पे जंगल दिखाएंगे, जिसमें शेर हाथी बहुत कुछ है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे साथ बच्चे और लेडीज़ भी हैं, तो लोग थोड़ा सा डर रहे हैं कि मतलब ओपन गाड़ी है, कहीं कोई अटैक ना कर दे। और मैंने काफ़ी समझाया उन लोगों की, भाई ये तो मतलब रोज़ का काम है, शेर्स को आदत होती है, उनको आदत होती है, क्योंकि वो लोग रोज़ देखते हैं कि हाँ इंसान जो है मतलब आते जाते रहते हैं। दिन भर में 2 ही स्लॉट होते हैं और उसके बीच में 4 घंटे का वो रहता है डिफरेंस। 4 घंटे का डिफरेंस इसलिए रहता है क्योंकि शेर वेर को ये लोग पूरा खाना खिला के रखते हैं भाई, ताकि शेर। देखिए मैं आपको एक चीज दिखा दूंगी, देखिए 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 क्या हो रहा है यहाँ पे भाई, गाय अटैक करने आ रही, यहाँ पे गाय बहुत अटैक कर रही है हमारे ऊपर भी ऐसा लग रहा है, गाय शेर बन गई, शेर के साथ रह रहे।
डर तो लग रहा है थोड़ा, लेकिन देखते हैं क्या होता है। फिलहाल बुकिंग ऑफिस में जाते हैं। अरे यार तुम लोग लाइक तो करो यार, वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, और सब्सक्राइब तो कर ही नहीं रहे हो यार। चालू कर दी भीख मांगना। हाँ तो और क्या करूँ। चला इतना हम लोग रिस्क ले रहे हैं। हालांकि हम लोग का तो बहुत पहले से प्लान था, चार धाम यात्रा और ऋषिकेश, हरिद्वार, दिल्ली। साथ में मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग भी देखते रहो, आप लोगों को भी मजा आएगा। चलो भाई पहले टिकट का बात करो। 3500 रुपीज़ का कॉस्ट है। 2 से 2.5 घंटा आपको जंगल सफारी किया जाएगा आपके साथ, और सेफ्टी वगैरह का भी ध्यान है। बस एक सीन है, गारंटी नहीं है कि शेर वगैरह दिखेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं दिखेंगे, देखते हैं क्या होता है। पहली बार जो है गाय से फट रही है हमारी। तो अभी देखो क्या होने वाला है। तो गाइस फिलहाल अभी जो है फाइनली हम लोग ने डिसाइड कर लिया है, बहुत सोचने के बाद, कि हम लोग जंगल सफारी के लिए जा रहे हैं। 2 घंटे का जो है पूरा टूर रहेगा। लेकिन ये कंचन कुछ बोलना चाहती है यार। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, और मैं तो जबरदस्ती लाई गई हूँ और जबरदस्ती इनके साथ जा रही हूँ। और मैंने रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज हमें एटलीस्ट कुछ नहीं तो ऊपर पैक छत वाली गाड़ी दे दे, क्योंकि तो बच्चे भी हैं और बच्चों से ज्यादा शायद मुझे डर लग रहा है। तो प्लीज हम लोग के लिए प्रे करिए। लेकिन क्या है ना कि प्रे करने के लिए ना, आप लोग अब जब ये वीडियो आप लोग जब देखोगे तब तक तो हम लोग घर पे रहेंगे, तो प्रे करके कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। वैसे या तो घर पे रहेंगे या तो शेर के पेट। वैसे जो सवारी से हम आए हैं, मैंने उसको पूछा कि भाई वापस जाते समय टोटल सबको लेके गए हो कि नहीं आसा, तो उसने बताया कि अभी तक जितने लोग को लेके आए वापस भी लेके गया है। तो होप हम सब भी वापस साथ में जाए। मतलब अभी तक यहाँ पे एक भी हादसा नहीं हुआ है। और सेकंड थिंग कैसा है कि जो इनके जो ड्राइवर है वो काफी ट्रेंड है, और इनके पास एक साउंड गन होता है, जैसे अगर कुछ कैजुअलिटी तो नहीं होगी, उन्होंने बोला है, अगर बाई चांस कभी कुछ हुआ तो रस्ते से हटाने के लिए साउंड गन जो है उनके पास, क्योंकि उनको भी हानि नहीं पहुंचानी है, क्योंकि ये पूरा इलाका जो है वो वाइल्ड एनिमल्स का है, और हम लोग जो है जानबूझ के उनके घर में घुस रहे हैं, तो हमारी ये गलती है। तो देखते हैं क्या होता है। उनको भी बोला, मेरा ये मानना है कि आ ही गए हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। करना तो है, लिटरली फॉर्म साइन कराए, फॉर्म साइन करवाए हैं। फॉर्म में मतलब जैसे क्या लिखा है कि एक तो जैसे जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बारे में आप पूरे अवेयर हैं, और आप अपने पूरे खुद के रिस्क पे जा रहे हैं, ये सब पूरा उसमें मेंशन है, सिग्नेचर वगैरह किया गया है। तो भाई फिंगर क्रॉस्ड, देखते हैं क्या होता है। और अभी हम लोग केदारनाथ जाने वाले हैं, अगर भगवान को मंजूरी होगा वहाँ तक बुलाना तो रखेंगे, नहीं तो। और गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अभी तो फिलहाल हम लोग दिल्ली, ऋषिकेश, हरिद्वार ही घूम रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में यानी कि कल से हमारा चार धाम का यात्रा चालू हो जाएगा, जिसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, और ये पूरा 10 डेज का जो है ये पूरा ट्रिप रहेगा। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर एक चीज जो है वीडियो में जो है कवर कर सकूं और आपको दिखा सकूं। गाइस तो मिलते हैं। मतलब पहली बार ऐसा है कि गाय से डर लग रहा है। यहाँ की गाय बहुत डरानी भी दिख रही है, तो पीछा कर रहे हैं, पीछा कर शेर के साथ रह रहे के। नहीं गाय को ना कुछ चाहिए नहीं था हम लोग से, उसको सिर्फ ये चाहिए था। और गाय आ भी रही, वो भी उसको यही चाहिए था हम लोगों से। गाय आती रही, ऐसे धीरे धीरे आते रहती है भाई हमारे पास। तो ये है हमारी गाड़ी ओपन जिप्सी, और जिसमें हम जंगल सफारी के लिए जा रहे हैं। गाइस हमारी फटे जा रही है, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। मारेंगे उसको जोर से, हाँ पटाखा फटेगा। अच्छा ओके, हाँ ये होता है। एक ही बार आवाज निकल सकती है, एक ही बार आवाज निकल सकती है, दूसरा डाल देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चिल्लाना मना है, इसके लिए हम लोग बहुत स्लो बात करेंगे, मैं वॉल्यूम बढ़ा दूंगा एडिटिंग में। तो अभी हम लोग एकदम जंगल के अंदर हैं। सर कैसा लग रहा है? थोड़ा हार्ट बीट बढ़ गई है एक्चुअली में। करते ही जो है गजराज जी के दर्शन हो गए, तो ये शुभ संकेत है, तो हम लोग बच के रिटर्न आ सकते हैं। कुछ कुछ होना रहेगा तो हो जाएगा, हाथ अंदर रहे या बाहर रहे। खड़े होके देखो यार, दूर दूर तक कोई दिखे तो देखो। हिरन दिख रहे भाई, हिरन को छू सकते हैं क्या बाहर उतर के? शेर अटैक करते भाई, चिल्लाओ मत। शेर का सबसे फेवरेट हो जाएगा।
ऐसा करो और ऐसा पियो मुँह हाथ से। दोनों हाथ ऐसे करो, ऐसे पियो। अब मैं करूँ, मामा मेरे को भी पीना है। गाइस ये है पुदीने का पेड़। तो ऐसा है कि जो नॉर्मली जो गाड़ी होती है, जो इंजन की जो आवाज होती है ना, उससे कम आवाज ये सफारी की गाड़ी की होती है। तीन घंटे तक हमारी जो है जंगल सफारी चली और जिस चीज़ को हम देखने गए थे वो तो मिले ही नहीं। टीसू भाई तो मिले ही नहीं और ना ही टाइगर भाई मिले। मैं इतना डर के गई थी, बट मैं जाते समय अपनी सफारी के अंदर बैठी थी और आधी, और आते समय जो है आधी बाहर बैठ के आई हूँ। मतलब टाइगर अपने इलाके में बिल्कुल नहीं था और हमें सिर्फ टाइगर देखना था, क्योंकि मैंने तो आज तक नहीं देखा है टाइगर का। लेकिन थोड़ा सा झलक दिखा, बट कंफर्म नहीं है कि वो टाइगर था भी कि नहीं। लेकिन हमें एक नई चीज़ वहाँ पे मिली है, शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा इसलिए हम लोग बता देते हैं। वहाँ पे हमें सांभर मिला था और जो सांभर है ना वो हमारी वीडियो में ज़रूर है। जब वो आएगा तो हम कैप्शन में ज़रूर लिखेंगे कि ये सांभर है। बराबर है। तो गाइस कल हमारा चेकआउट है और कल हम लोग यहाँ से निकलेंगे, फिर चार धाम की यात्रा हमारी शुरू होगी जिसमें है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो बने रहिएगा। मेन ट्रिप तो कल से चालू, मेन ट्रिप एक्चुअली कल से, अभी तो फिलहाल ये वार्म अप था खाली हमारा अभी। भाई जरा बेल आइकन वगैरह ऑन करो, कैसे पता चलेगा? ये तो अलग वीडियो है, दिल्ली वाली एक्सेंट हो गई भाई जरा। ठीक है करिए, फिर मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में और अपना ख्याल रखिए। अपनी भीख मांगोगी क्या? सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन। तो बाय, टेक केयर।